नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नोट से 23 की सबसे बड़ी अपडेट को लेकर। सबसे पहले आज के वीडियो में साथियों हम आपको बताएंगे कि नोट से 23 में टोटल कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, टोटल मेल कितने हैं, टोटल फीमेल कितनी है, थर्ड जेंडर कितने हैं, इसके अलावा टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे, CBI कोर्ट केस का क्या अपडेट है, सारी बातें डिस्कस करेंगे। चलिए साथियों शुरू कर लेते हैं। जैसा कि साथियों हमने पहले ही बता दिया था कि हमें इस प्रकार का जो डाटा है वो मिल चुका है, कितने कैंडिडेट किस कैटेगरी से हैं और टोटल मेल और फीमेल कितने हैं, तो सारा जो डाटा है वो आपके सामने वन बाय वन करके अब एक्सप्लेन किया जाएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों, क्योंकि इसी प्रकार का अपडेट आपको भविष्य में मिलता रहेगा, ये हमारा वादा है। चलिए साथियों बढ़ते हैं। तो सबसे पहले साथियों जनरल कैटेगरी को लेकर डिस्कस करने वाले हैं कि नोट से 23 में टोटल जनरल कैटेगरी से कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। तो साथियों टोटल जो मेल कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी के 5,432 कैंडिडेट थे। इसके अलावा टोटल फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें साथियों तो काफ़ी बड़ी संख्या है, 19,537 फीमेल कैंडिडेट ने अप्लाई किया था नोट से 23 की बात कर रहे हैं। और जो थर्ड जेंडर कैंडिडेट थे साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि 6 कैंडिडेट ने यहाँ पर नोट सेट के लिए अप्लाई किया है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। टोटल जनरल कैटेगरी से साथियों नोट से 23 में जो फॉर्म अप्लाई हुए थे 24,975 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। वीडियो को शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत बड़ी बड़ी अपडेट और बहुत बड़े आंकड़े आपके सामने आने बाकी हैं। चलिए साथियों अब डिस्कस कर लेते हैं सबसे बड़ी कैटेगरी OBC को लेकर, क्योंकि OBC में साथियों एक लार्ज संख्या में कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। तो टोटल जो मेल कैंडिडेट थे OBC कैटेगरी से, उन्होंने साथियों 15,168 कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, जबकि फीमेल कैंडिडेट ने OBC से 28,382 फीमेल कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। थर्ड जेंडर साथियों 5 हैं, इसमें थोड़े से जनरल से कम हैं लेकिन सम्मानजनक हैं। OBC से टोटल जो कैंडिडेट हैं मेल और फीमेल और थर्ड जेंडर को मिला के 43,555 साथियों, बड़ी संख्या, बहुत बड़ा ये नंबर आपको बता रहे हैं OBC कैंडिडेट से अप्लाई करने वालों का। तो साथियों आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो बड़ी संख्या होती है वो OBC कैटेगरी से होती है, उससे पहले जनरल से होती है, उसके बाद साथियों धीरे धीरे आंकड़ा कम हो जाता है। नोट सेट 5th साथियों जो कि आपका आने वाला है, उसमें इससे भी बड़ा आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा, ऐसा हमारा मानना है और ऐसा आप सभी को भी लगना चाहिए। देखिए साथियों CBI कोर्ट केस में जो लड़की को पेश किया गया था उसको रिमांड पे लिया गया है, रिमांड आज ख़त्म हो चुका है, एक बार फिर दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा और उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या पूछा गया है, उन सभी का डिटेल में हम आपको डिस्कस करके वीडियो बना देंगे और वीडियो साथियों एक या दो दिन में आपके पास आ जाएगा। उसके अंदर साथियों को बता दें कि अभी तक का जो डाटा मिला है CBI को, जिसमें 300 से ज़्यादा जो फुटेज हैं वो ऑल ओवर इंडिया से जो एग्ज़ाम सेंटर थे नोट से 23 के साथियों उसके स्कैन किए गए हैं कि ऐसा कहीं और किसी सेंटर पर तो नहीं हुआ है। अब जो रिमांड पे क्वेश्चन पूछे गए हैं लड़की से, उनको लेकर कहीं ना कहीं क्वेश्चन है कि लड़की से क्या पूछा गया है, लड़की ने क्या बोला है, किसी और का तो नाम नहीं लिया है, तो सारी जो बातें हैं आपके मन में जो क्वेश्चन हैं उनका जवाब हमारे द्वारा दिया जाएगा, ऐसा आप साथियों आप हम पर यकीन कर सकते हैं। चलिए साथियों अब जो नेक्स्ट अपडेट है कि SC कैटेगरी से कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। तो साथियों SC कैटेगरी से नोट से 23 में टोटल जो मेल कैंडिडेट थे वो थे 9,638, टोटल फीमेल कैंडिडेट थे साथियों 22,388, जबकि थर्ड जेंडर केवल और केवल 3 थे। और तो साथियों आप देख सकते हैं SC से टोटल जो कैंडिडेट थे मेल फीमेल और थर्ड जेंडर को मिला के साथियों तो 32029 साथियों, ये भी अपने आप में एक बड़ा नंबर है SC कैटेगरी से। अब साथियों आशा करते हैं कि सारा जो डाटा है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है, बिल्कुल सही और सटीक है साथियों, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है कि डाटा हमने मन से बनाया है, हमारे पास बिल्कुल एकदम सही डाटा है, हम आपको वो भी एक बार शो अप कर देंगे। चलिए साथियों अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ST कैटेगरी में साथियों अगर बात करें कि टोटल मेल कितने हैं, तो टोटल मेल साथियों मात्र 2,000
976। तो काफ़ी कम संख्या साथियों एसटी कैटेगरी से गई है मेल की। फीमेल की साथियों फिर भी सम्मानजनक नंबर हैं जिन्होंने अप्लाई किया नोट 23 के लिए, 12,057 फीमेल कैंडिडेट थे। थर्ड जेंडर यहाँ पर नहीं मिले एसटी से। टोटल कैंडिडेट साथियों 15033, ये एक बड़ा नंबर है एसटी कैटेगरी से, जहाँ पे टोटल मेल और फीमेल का साथियों आप रेशियो देख लीजिए 10 गुना। एसटी कैटेगरी में 10 गुना फीमेल कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, इसके कंपैरिजन अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट के। अब ये साथियों अपने आप में बड़ा डाटा, इसको अपन इसलिए कहेंगे क्योंकि जो 80-20 रिजर्वेशन है कहीं ना कहीं उसको देखते हुए हर फीमेल को यहाँ पर कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ बिल्कुल अप्लाई कर देते हैं, अगर रैंक ज़्यादा आएगी तो भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन साथियों उसके लिए सबसे पहले आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ता है, और जो क्वालिफाइंग जो मार्क्स यहाँ पर बताए गए हैं वो सभी को आपको क्रैक करने होते हैं। अगर आपने वो क्रैक नहीं किए हैं साथियों तो फिर आप यहाँ पर क्वालिफाई भी नहीं हो सकते हैं। अब साथियों EWS कैटेगरी को लेकर डिस्कस शुरू कर देते हैं। तो टोटल जो EWS कैटेगरी से मेल कैंडिडेट थे साथियों 3017 कैंडिडेट थे, और टोटल जो फीमेल कैंडिडेट थे वो थे साथियों 3,766 कैंडिडेट। अब देखिए साथियों यहाँ पर जो थर्ड जेंडर थे टोटल 1 ने अप्लाई किया, और टोटल EWS जो कैटेगरी है उससे 6,784 टोटल कैंडिडेट है मेल फीमेल और थर्ड जेंडर को मिक्स करके। अब साथियों यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि टोटल कैटेगरी का डाटा आपके सामने रख रहे हैं कि ऑल ओवर जो कैटेगरी हैं एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल, इन सभी के टोटल मेल कितने थे। तो टोटल मेल कैंडिडेट थे साथियों 36,231, और टोटल फीमेल देखे साथियों एक लार्ज नंबर समथिंग 86,130 जो फीमेल कैंडिडेट साथियों नोट से 23 में अप्लाई करने वाले, बड़ा नंबर। और टोटल थर्ड जेंडर जो मेल और फीमेल थे 15 यहाँ पर थर्ड जेंडर थे साथियों। तो मेल और फीमेल का डाटा आपके सामने आ गया है, थर्ड जेंडर का डाटा आपके सामने आ गया है। तो टोटल नंबर साथियों अगर आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो 1,22,336 नंबर आपके सामने है, एक लार्ज नंबर है, अब तक का सबसे रिकॉर्ड डाटा है साथियों। हमने नोट से 20, नोट से 21, नोट से 22 और अब नोट से 23 सबका डाटा आपके साथ शेयर किया है। अगर आप चाहेंगे तो सभी का एक वीडियो में हम बना देंगे डाटा कि किस साल कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया, ताकि एक आपको अंदाज़ा लग जाए कि क्वालिफाई करना भी कितना मुश्किल हो जाता है जो कैंडिडेट क्राइटेरिया को क्रैक नहीं कर पाते हैं उनके लिए। तो धन्यवाद साथियों, आप वीडियो को शेयर, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर चुके होंगे इसी प्रकार सही और सटीक जानकारी पाने के लिए।